यूपी में कंटेनमेंट जोन में होगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। डीयू के सर्वे में बंगाल में फिर बन सकती है दीदी की सरकार, असम में खिल सकता है भाजपा का कमल। केजरीवाल सरकार का नया प्लान, दिल्ली में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का अगले 3 महीने में होगा टीकाकरण। गर्भवती महिलाओं के लिए नई पहल, व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर मैसेज करते ही मदद को पहुंचेगी महिला आयोग की टीम। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आपकी सरकार जिम्मेदार, गृह मंत्रालय ने साफ की स्थिति। देसी टीका हुआ सस्ता, कोविशील्ड वैक्सीन के बाद अब भारत बायोटेक ने भी अपने टीके कोवैक्सीन की कीमत घटाई। कोरोना से जंग में भारत की मदद को आगे आए 40 से अधिक देश, ऑक्सीजन समेत भेज रहे दवाइयां। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा होम केयर वाले कोविड मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए अस्पतालों के कोटे में हो सकती है कटौती। जल्द दूर होगी ऑक्सीजन की कमी, विदेश मंत्रालय ने कहा रेमडेसिविर की 7 लाख खुराक जुटाने की कोशिश। मुंबई में 1 मई से नहीं शुरू होगा 18 साल के ऊपर का टीकाकरण, दिल्ली में भी है संशय, वैक्सीन की कमी का दिया गया हवाला।